गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने हमारा रिवीजन स्टार्ट कर दिया है और रिवीजन में हमने न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट की है। कौन सी की है? तो क्लास 11 का हमने सरल रेखा में गति के कुछ न्यूमेरिकल देखे हैं। अब हमने समतल, आज से हम समतल गति, समतल में गति के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। जैसे आज की सीरीज में हम एक या दो न्यूमेरिकल, दो या तीन न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे, जिसमें सबसे पहला न्यूमेरिकल है। मैं क्वेश्चन को एक बार रीड कर देता हूं। दो बल 5 मीटर तथा 3 न्यूटन जिनके बीच कोण 60 डिग्री का है, एक ही बिंदु पर कार्यरत है, तो परिणामी बल की को ज्ञात कीजिए। जैसा कि ये क्वेश्चन में दिया है, ये कोई बिंदु मान लिया हमने और उस पर दो बल लग रहे हैं, तो एक बल को माना F1 और दूसरे बल को माना F2। ये इनके बीच में कोण दिया हुआ है कि 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये 60 डिग्री का कोण हमने लिख दिया है थीटा बराबर 60 डिग्री। अब जैसा कि हमने यहाँ पर कुछ सूत्र लिख कर रखे हैं, आपको भी क्या करना होगा, अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कुछ टिप्स को हमें याद रखना होता है। सबसे पहला तो किस टॉपिक से रिलेटेड है, ये हम क्वेश्चन को 1 और 2 टाइम्स पढ़ते हैं तो हमें समझ में जाता है कि किस टॉपिक से रिलेटेड है। एक चीज तो ये याद रखना है, दूसरी बात है उसी टॉपिक से रिलेटेड हमें सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी हम किसी न्यूमेरिकल को, आज के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। बिना सूत्र के हम कैसे सॉल्व करेंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं, मेरी एडवाइस है आप लोगों को कि आप सूत्र याद कर लें। पर्टिकुलर जिस चैप्टर पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं उनके सूत्र आपको याद होना चाहिए। अगली क्लास में आपसे सूत्र भी पूछूंगा। जैसा कि ये सारे दिए हैं तो इसमें परिणामी सूत्र का, परिणामी बल का सूत्र हमें लगाना है। देखिए इन दोनों के बीच में बल कितना, दो अलग अलग बल लग रहे थे, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे थे, लेकिन हमें परिणामी निकालना है। तो परिणामी के लिए परिणामी बल बराबर होता है रूट में F1 square plus F2 square plus 2 F1 F2 cos theta। ये हमने ऑलरेडी थ्योरी क्लास में पढ़ लिए थे। तो अब हमारे रिवीजन क्लास में हम न्यूमेरिकल देख रहे हैं, तो उसमें हमने सूत्र डायरेक्ट याद रखना है। तो सूत्र में हमने वैल्यू पुट की और जब इसका रूट निकाला तो हमारा आंसर आ जाता है 7 न्यूटन। मतलब इस वस्तु पर, जो एक बिंदु वस्तु है, इस पर कुल बल कितना लग रहा है? 7 न्यूटन। और अलग अलग लग रहे थे वो कितने लग रहे हैं? 5 और 3। लेकिन अगर आप ऐसा सिंपल जोड़ते उसको तो कितना होता, जबकि ऐसा नहीं है। तो आप ये गलती ना करें। ये कब 8 न्यूटन होगा, कोई बता सकता है आपने से मुझे? ये 8 न्यूटन कब होगा? जब एक ही दिशा में 3 न्यूटन भी लगे और 5 न्यूटन भी लगे एक ही दिशा में, तब ये टोटल बल, परिणामी बल कितना होगा? लेकिन एक कहाँ लग रहा है? एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, तो वस्तु में परिणामी बल कुछ कम हो जाता है और कम करके वो 7 न्यूटन ही बचा। एक दिशा में होता तो ये कितना होता? 8 न्यूटन। इसलिए तो मैं अगर आपसे बोलूं कि बेटा ये बेंच को धक्का दीजिए मेरी तरफ, तो अगर कोई उधर खींचेगा तो पूरा परिणामी बल से इधर लग पाएगा क्या? आ पाएगी टेबल? हाँ, लेकिन अगर सारे के सारे जिन बच्चों को बोला कि ये बेंच को इधर खिसकाना है तो सभी एक ही दिशा में लगाएगा तो ज्यादा बल लगेगा, लेकिन कोई इसे पुल कर रहा है, कोई इसको पुश कर रहा है, तो डेफिनेटली बल परिणामी इसमें कुछ कम हो जाएगा। यही हो रहा है इसमें, क्लियर है? आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आएगा। इसी का एक मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा और आई होप आई थिंक मैंने दे भी दिया है आपको।